Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो आज के वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं इस सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर, सबसे बड़े माफिया डगन बॉस को मारने के लिए. अगर आज इस मिशन को पूरा एग्जीक्यूट करना है, डगन बॉस को आज अगर हमें मारना है, तो हमें चाहिए होंगे अपने कुछ पुराने दोस्त ट्रेवर और फ्रैंकलिन. और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि यार अभी ट्रेवर और फ्रैंकलिन और माइकल तीनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. एक चोरी के बाद थोड़े से पैसे बराबर नहीं बटे थे, इसलिए इन तीनों की दोस्ती ख़राब हो गई थी. बट आज बात दोस्ती की नहीं है, आज बात है लेस्टर को जिंदा बचाने की. भाई डगन ने उसे किडनैप कर लिया है. और पता नहीं मैं साइकिल क्यों चला रहा हूँ, ये मुझे नई एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिली थी किसी की, पार्क में से ही मैंने चुरा ली थी. इधर आ भाई, गाड़ी दे. अभी जल्दी से चलते हैं यार हम लोग फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि रेडियो चला के रखते हैं. हाँ, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं भाई. फ्रैंकलिन ना यार, सीन ऐसा है ना, वो जब से चोरी हुई थी उसके बाद से ना वो सारे अच्छे कामों में लग गया था. वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, पता नहीं म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका है. बट हाँ, इतना समझ आ गया है कि भाई फ्रैंकलिन जो है वो थोड़े अब अच्छे काम करने लग गया है. एक सेकंड, पुलिस वाले बाहर किसी की गाड़ी भेज कर आए. ठीक है यार, थोड़ा सा मैं दूर चलता हूँ, एक बार सोचते हैं यार करा क्या जा सकता है. प्रिजन जो है ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक सेकेंड, मेरे माइंड में एक बहुत क्रेजी आइडिया आ चुका है, वो आइडिया मैं आप लोग को बताता हूँ. बट उससे पहले जल्दी से ना एक शॉर्टकट मार के चलते हैं हाईवे पे, वो रास्ते पे जो प्रिजन और इस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जहाँ से वो पुलिस वालों की गाड़ियाँ आने वाली है ड्राइवर को लेने के लिए, उस रास्ते पे चलते हैं और उन पुलिस वालों की गाड़ियों का वेट करते हैं. ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में शॉर्टकट रास्ते से भगाता हुआ लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा उस हाईवे पर जहाँ से पुलिस वालों की गाड़ी आने वाली है ड्राइवर को जेल ले जाने के लिए. देखो यार, ये रास्ता काफ़ी घटिया है, काफ़ी कच्चा रास्ता है, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत है. बोल ही रहा था मैं कि रास्ता बहुत घटिया है, बट हमें बहुत ही जल्दी उस हाईवे से कनेक्ट करवा देता है जो कि सीधा लॉस सैंटोस को जाता है. और यहीं कहीं सामने से पुलिस वालों की गाड़ी आ सकती है. मैं झाड़ी में छुपके खड़े होने की बजाय रोड के उस पार जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी इधर से नहीं दूसरी वाली साइड से आएगी. तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, क्योंकि यार देखो ये जगह पर ना ढंग से मैं छुप नहीं पाऊँगा. मैं चाह रहा हूँ कहीं पर हम लोग ना जाकर थोड़ा बहुत छुप जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा. वेट, इधर पेड़ वेड़ के पीछे भी दिख सकता है यार यहाँ एक. ओ वेट, ये वाली जगह बहुत सही है. यहाँ पर आराम से चलकर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं इस टनल के नीचे. और मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है यार. वेट एक सेकेंड, मेरा छुपना जरूरी है क्योंकि भाई पुलिस की नज़रें होती है बहुत तेज. तो एकदम आराम. वेट भाई, गाड़ी तो यहीं से जा रही है. यही है भाई वो गाड़ी जो कि ट्रैवर को लेने जा रही है. लेट्स गो, जल्दी से भाई इस गाड़ी का पीछा करते हैं. मेरे को लग ही रहा था कि भाई हो सकता है गाड़ी अभी आ रही हो, क्योंकि ट्रैवर ने मुझे बोला था कि पुलिस वाले उसको आज ही जेल लेकर जाने वाले, आज ही नहीं अभी ही ले जाने वाले. और यही है वो गाड़ी आ चुकी है. और अगर हम लोग ट्रेवर को नहीं बचा पाए तो ट्रेवर भाई परमानेंट जेल चले जाएगा, और फिर हमें डगन को मारने के लिए अकेले जाना पड़ेगा, हमारी कोई टीम नहीं बचेगी. मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्लान है जो कि मैं बना चुका हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ वो प्लान क्या है. वो प्लान बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, बट उसमें एक गड़बड़ हो गई ना थोड़ी सी भी तो प्लान बहुत रिस्क में चले जाएगा. भाई पुलिस वाले कोई रूल वूल नहीं तोड़ते यार. ओके ठीक है, थोड़ा सा गैप रखते हैं भाई, वरना पुलिस वालों को समझ जाएगा मैं इनका पीछा कर रहा हूँ. एक काम करता हूँ, इनको अपनी गाड़ी रोड पे चलाने देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा ना साइड से लेकर आ देता हूँ. इनको पता नहीं चलना चाहिए भाई पीछा कर रहा हूँ, वरना तो पहले मुझे रोक के पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे. ड्राइवर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में मैं भी चले जाऊँगा. और अगर मैं चला गया तो भाई डगन लेस्टर को भाई मार ही देगा प्यार से. बाकी ठीक है, गाड़ी 100% वही है, क्योंकि ये जा सीधा उसी वाले पुलिस डिपार्टमेंट में रही है, तो कोई इशू नहीं है. अभी बस चुपचाप से इसका पीछा करते रहते हैं. जैसे गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी का मैं करने वाला हूँ एक गलत सीन, जिससे गाड़ी चलना बंद हो जाएगी. वो भी तुम्हें पता चल जाएगा मेरी प्लानिंग क्या है. ओके गाइस, तो भी हम लोग इस गाड़ी का पीछा करते हुए पहुँचने वाले हैं सीधा इस शहर के, इस गाँव के पुलिस डिपार्टमेंट में. पुलिस वालों की गाड़ी तो राइट वाले रोड पर जा चुकी है, बट मैं थोड़ा जंगल वंगल से आ जाऊँगा चलेगा, उन लोग की गाड़ी एक बार पहुँचने देते हैं. मुझे बस पता करना है कि इस गाड़ी में आखिर कितनी सिक्योरिटी आई है. देखो यार, गाड़ी तो ऐसी है कि इस गाड़ी पे ना जो भी बंदा बैठा है उसे मारना बहुत मुश्किल. वेट, गाड़ी अंदर जाकर पार्क हो चुकी है. और अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि भाई आखिरकार मेरी प्लानिंग क्या है. हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देते हैं, ये काफ़ी सही जगह रहेगी. और इधर मैं आराम से बैठ जाता हूँ. भाई वहाँ पर कोई तो गया है भाई अंदर की तरफ में. ये गाड़ी में देख रहे हो हर तरफ से आर्मर लगे हैं ताकि कोई किसे मार ना दे. ये एक पुलिस वाला इस गाड़ी से उतर के जा रहा है जो कि LSPD का है, और ये लोग शायद से अभी जा रहे हैं अंदर ड्राइवर को लेने के लिए. और अच्छी बात पता है क्या है,
इस गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पुलिस वाला आया है और मेरा प्लान ये है कि भाई देखो मुझे ना इस पुलिस वाले को मारना है बीच रास्ते में और इसकी गाड़ी चुरा लेनी है। बट यार देखो, अगर पुलिस वाले को बीच रास्ते में मारना है ना तो हमें उसे गाड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में बहुत खतरनाक आर्मर, ऐसे हम लोग नहीं मार सकते हैं। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो गाड़ी की एक एक विंडो सील्ड कवर हो रखी है कि गोली अंदर जा ही नहीं सकती। और अगर हम लोग पुलिस वाले को पुलिस डिपार्टमेंट में मारेंगे तो भाई पूरी पुलिस हमें खा जाएगी, ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं चुपचाप से एक बार अंदर जाकर ना इनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक खराब कर दूंगा, आई मीन फ्यूल टैंक को लीक कर देंगे जिससे कि इनकी गाड़ी का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही ये लोग फ्यूल भरवाने बीच रास्ते में रुकेंगे, हमें बस इन्हें चुपचाप स्नाइपर से साइलेंटली किल करना है। और ड्राइवर गाड़ी में रहेगा ही तो हम लोग ड्राइवर को वहाँ से लेकर भाग जाएंगे। तो देखो, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक बार ही सही रास्ते से जाना है और चुपचाप से पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होना है। भाई ये लोग का ज़्यादा ध्यान इधर भटकाना ज़रूरी है, अगर इन लोगों ने ध्यान दिया ना तो मैं फंस सकता हूँ बहुत ज़्यादा। चुपचाप से एंटर करते हैं कि जैसे हम लोग किसी को जानते ही नहीं है। तो चलो भाई, हम लोग इस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तो एंटर कर चुके हैं, अब बस मुझे उस गाड़ी तक एक बार पहुंचना है ताकि मैं उसके फ्यूल टैंक को खराब कर सकूं। रास्ता भाई पूरा का पूरा क्लियर है, हम लोग आराम से वेट, रास्ता क्लियर नहीं है भाई। मैं मेरे को लग ही रहा था यार इस पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी खासी टाइट है, हर थोड़ी देर पर पुलिस वाले यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर जब तक भाई ये तो नहीं, मैं भागता नहीं हूँ, भागूंगा तो उसको शक हो जाएगा। चुपचाप भाई इधर से हम लोग वापस निकलते हैं, मेरे पास एक रास्ता और है मेरे माइंड में। आज अगर मैंने सोच लिया भाई ड्राइवर को बचाना है तो बचाना ही है भाई, एक बार इसको जाने देते हैं यार, क्योंकि इसके सामने अगर मैं उस गाड़ी के नीचे जाकर लेटूंगा टैंक खराब करने, भाई इसके हाथ में जो M416 है ना ये मेरे फोड़ डालेगा। तो भी चुपचाप भाग कर चलते हैं, मेरे पास जो रास्ता है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। ये दीवार काफ़ी ऊंची है, कांटे वाली है, पर मैं इस दीवार को भी टापना जानता हूँ। भाई देखो, माइकल है यार छोटे मोटे लेवल का चोर नहीं है यार, ये जो काम है ना उसके लिए बहुत ही चिंदी है। चुपचाप से गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। इस गाड़ी को ना मुझे इस वैन के पीछे लगाना है, कूद कर सीधा दीवार के उस पार जाएंगे और वैन के कवर की वजह से कोई भी हमें देख नहीं पाएगा। लेट्स गो, ये मारी एक जंप और हम लोग आ चुके हैं दीवार के उस पार। अब मुझे रास्ता भाई पूरा का पूरा क्या चल रहा है भाई इधर, अभी अंदर से एक पुलिस वाली निकल कर आ रही है और ये कहीं और जा रही है ना। चलो ठीक है, नहीं भाई ये इस वैन के पास आ रही है शायद से। वेट, ओ भाई ये तो यहीं पर आ गई, एक सेकंड, शायद से वैन का कुछ नंबर वंबर नोट करने आई है गाड़ी का। भाई इस साइड मत आ जाइए, मैं फंस जाऊँगा, मैं छुप रखा हूँ बहुत बुरी तरह। अभी बस टैंक मेरे जस्ट बगल में है, वेट ओके ये जा चुकी है, लेट्स गो, रास्ता क्लियर है भाई। अभी बस मुझे इस गाड़ी का टैंक ख़राब करना है ताकि इसका सारा का सारा फ्यूल लीक हो जाए। अभी मेरे हिसाब से सारा रास्ता क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं सीधा इस गाड़ी के नीचे। तो देखो गाइस, अभी मैं इस गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ और मैंने इस गाड़ी के फ्यूल टैंक का जो वेल्व है वो थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि फ्यूल लीक होना चालू हो जाए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस, हम लोगों ने सक्सेसफुली इस गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है उसे लीक कर दिया है। अब धीरे धीरे इससे पेट्रोल गिरना चालू हो गया है, जल्द ही इस गाड़ी का फ्यूल बहुत कम हो जाएगा। वेट, अभी आगे नहीं जा सकते, इस पुलिस वाले को पहले एक बार ही निकलने देते हैं वरना इसको पता चल जाएगा ना हम लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं। भाई छोड़ेगा नहीं, मैं ठीक है भाग लेते हैं, ये चुपचाप उधर गया, जल्दी से निकल लेते उससे पहले कि घूमे। लेट्स गो, हम लोगों ने काफ़ी मज़े में काफ़ी आराम से हमने उनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक ख़राब कर दिया। बस चल कर देखते हैं कि लोग ड्राइवर को कब तक बाहर ला रहे हैं और कहाँ पर जाकर इनकी गाड़ी रुकेगी। आई होप यार यहीं कहीं रुक जा तो बढ़िया रहेगा ताकि इन्हें फ्यूल डलवाना पड़े। फ्यूल डलवाने रुकेंगे ना मैं इनको वहीं के वहीं मार दूंगा। बाकी ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर, आई होप ये लोग जल्दी ड्राइवर को लेकर बाहर भी आते होंगे। अबे यार कहाँ पे रह गए भाई ये लोग, ड्राइवर को मार पीट तो नहीं रहे अंदर ले जाके, इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई बंदे को जेल ले जा। वेट भाई, ये लोग बाहर आ चुके हैं ड्राइवर को लेकर और उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बांध के ला रहे हैं, प्रॉपर हैंड कफ कर रखा है क्योंकि इन लोग को अच्छे से मालूम है भाई ड्राइवर कितना ज़्यादा खतरनाक बंदा है, वो एंड मोमेंट पे भी इन लोग को मार पीट के निकल सकता है। बट ठीक है, अभी बेचारा अपना दरवाज़ा खोल के अंदर जा चुका है और अभी पुलिस वाले भी उसको लेकर यहाँ से जाएंगे। बट टेंशन वाली बात नहीं है, ये लोग अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, भाई हम लोग अपनी गाड़ी में चलते हैं, लेट्स गो। जल्दी से मैं गाड़ी में आकर बैठ चुका हूँ, इन लोग को ध्यान नहीं गया फिलहाल, अभी एक बार इनकी गाड़ी निकलने देते हैं फिर अपनी गाड़ी हम लोग एक बार को पीछे कर लेंगे। मस्त, अबे ज़्यादा पेट्रोल तो नहीं निकल गया भाई, गाड़ी नहीं चालू हो रही है इनकी,
इन्होंने भाई प्लीज़ गाड़ी चालू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग यहीं पर मैकेनिक बुलाएंगे और गड़बड़ कर देंगे। वेट यार, मैं अपना निकल लेता हूँ। प्लीज़ गाड़ी चालू हो जाए यार, मेरे को लग रहा है इनका ज़्यादा ही पेट्रोल लीक हो गया। लेट्स गो, गाड़ी चालू हो चुकी है भाई, थोड़ा सा पेट्रोल था रिजर्व, ये देखो पूरा पेट्रोल नीचे गिर चुका है। इन लोग की गाड़ी बहुत ही कम स्पीड में चलेगी, निकल चुकी है। मेरे को अभी फटाक से लेकर जाना है भाई फ्यूल पंप पे। यहाँ का नियरेस्ट एक ही फेमस फ्यूल पंप है, ये लोग 100% अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने यहीं पर लाने वाले हैं। भाई इधर भी पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, बट अच्छी बात है कि इधर कोई भी पुलिस वाला नहीं है। मैं चुपचाप से नहीं इस टाइम पे, नहीं, गाड़ी सीधी हो जा प्लीज भाई, बच गए अपनी। अब हम लोग अपनी चुपचाप से गाड़ी को यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि जी ये जगह थोड़ी सी सेफ है। ये लोग सामने वाले फ्यूल पंप पे आएंगे, मैं यहाँ से उतर जाता हूँ। मेरे पास एक बहुत मस्त स्नाइपर सप्रेसर के साथ, हम लोग छुप जाते हैं अपनी गाड़ी के पीछे। जैसे ही इनकी गाड़ी यहाँ पर आएगी, हम आ गए। वो देखो ये इन लोग की गाड़ी आ रही है, कहाँ चली गई ये रही। अब फ्यूल पंप के पास ये लोग आ चुके हैं। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम परफेक्टली हो रहा है भाई, लेट्स गो। ये लोग गाड़ी को लेकर भाई कितनी धीरे चल रही है भाई, लेट्स गो। अब जैसे ये लोग गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए उतरेंगे, मुझे एक फटाक से शॉट मारना है इनके। अरे बंदा उस तरफ उतरा यार, वेट, ये रहा। ये इसके चुपचाप से एक मैंने हेडशॉट मार दिया है, पर दूसरी पुलिस वाली भी बाहर आ चुकी है। उसे शायद से थोड़ा आइडिया लग गया है, पर उसको पता नहीं है हुआ क्या है। वेट एक सेकेंड, वो इसके भी मैंने हेडशॉट दे दिया भाई। उसको पता तो लग गया था कि उसके पुलिस वाले गोली पड़ गई। अब जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, मतलब अपनी गाड़ी छोड़ो भाई, उसमें फालतू टाइम वेस्ट होगा। सीधा यही गाड़ी को उठाकर निकल लेते हैं, क्योंकि हमें ये गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो ट्रेवर को अपनी गाड़ी में बैठा लूँ, बट नहीं, पुलिस वालों की गाड़ी छुपाना ज़रूरी है। अभी फटाफट से हम लोग एक काम, यार इनकी बॉडी भी छुपानी पड़ेगी यार, ये दोनों काम जल्दी जल्दी करते हैं। ड्राइवर अंदर मस्त बैठा पड़ा है यार, मैंने एक काम करता हूँ, गाड़ी में एटलीस्ट इतना फ्यूल डाल देते हैं कि गाड़ी भाई थोड़ी तो आगे तक जाए। तो यहाँ पर मैं फ्यूल लगा देता हूँ इसके अंदर, ये अपना फ्यूल इसमें कंटिन्यूसली भरता रहेगा। यार देखो अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि अपनी गाड़ी में फ्यूल तो भरता जा रहा है, बट मुझे इन दोनों पुलिस वालों की बॉडी को ना छुपाना होगा। मैं एक काम करता हूँ भाई, आसपास ना कुछ ऐसे कूड़े के डब्बे हैं, इन दोनों की बॉडी भाई लेकर चलते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। क्योंकि भाई देखो पता तो चलना ही है पुलिस वालों को, बट जितनी देर से पता चलेगा अपने लिए उतना ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से लेकर चलता हूँ भाई, रुक जाओ, वो बहुत भारी होते हैं अरे पुलिस वाले, सीधा ले जाएंगे उसको पीछे पीछे कूड़े का डब्बा, एकदम वहाँ पर ले जाके इसको फेंक कर आते हैं सीधा उस कूड़े के डब्बे के अंदर। पर अभी एक नहीं, एक पुलिस वाले भी है, उसको भी लेकर आना होगा भाई इस कूड़े के डब्बे के अंदर डालने के लिए। चलो गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस डब्बे के अंदर मैं इस पुलिस वाले को डाल देता हूँ। चलो भाई, उस इंस्पेक्टर को तो हमने कर दिया था, अब फटाफट से इसको भी लेकर चलते हैं और उसी कूड़े के डब्बे में भाई इसकी बॉडी छुपा कर आते हैं। भाई ये क्या, फ्यूल भरता जा रहा है और नीचे से देखो भाई एक बारी गाड़ी के लीक भी होता जा रहा है। तो एटलीस्ट इस गाड़ी का फ्यूल हम लोग इतना तो यूज़ कर ले, इसे लेकर यहाँ से किसी सीक्रेट जगह पे चल लें। ओ भाई लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग इसको भी कूड़े के डब्बे तक लेकर आ चुके हैं और इसकी भी बॉडी को हम लोग अंदर डाल देते हैं इसके। चलो गाइस भाग के चलते हैं, फटाफट से इस वैन को लेकर निकल लेते हैं भाई, किसी खाई वाई में फेंक के ना मैं इस वैन का नामो निशान मिटा दूंगा। बट एक सेकेंड, ड्राइवर को भी बाहर निकालना है, ये इसके साथ इसका वेट, इसका नोजल अटैच रहेगा। टूट ही गई भाई पेट्रोल पंप की पाइप, ठीक है भाई। हम लोग इस गाड़ी को लेकर तो यहाँ से एकदम मस्त निकल चुके हैं, पर एक बार तुम इसका अंदर से इंटीरियर देखो यार, कितनी खतरनाक गाड़ी लाए थे यार ये लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए। बाकी ठीक है, ड्राइवर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। हमें इस गाड़ी को ना कहीं भी ले जाकर जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये गाड़ी हो सकता है भाई इसमें पुलिस वालों के GPS ट्रैकर वगैरह लगे हो, और अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन गई कि भाई उनके दो पुलिस वाले गायब हैं, तो हो सकता है भाई वो इस लोग इस गाड़ी को ट्रैक करें। तो कहीं पर ले जाते हैं इस गाड़ी को, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेरे पास कुछ बॉम्ब है, पर मैं चाह रहा हूँ इसे मैं खाई पर ले जाके नीचे फेंक दूँ सीधी, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। पर हाँ, ड्राइवर को मुझे बाहर निकाल लेना, क्योंकि भाई वो बहुत बेहोश हालत में है अभी, उसे खाना पीना खिलाने की ज़रूरत है। कुछ लोग आ रहे हैं भाई सामने से, इनसे छुपा लूँ गाड़ी, पहले ऊपर लेके चलते हैं पहाड़ के एकदम ऊपर से फेंकेंगे, ताकि ब्लास्ट होने के साथ साथ भाई ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होके ख़त्म ही हो जाए। हमारे जो इसमें फुटप्रिंट्स वगैरह है ना, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर नहीं मिलने चाहिए। लेट्स गो, ये जगह मुझे काफ़ी सही लग रही है। यहाँ से गाड़ी को नीचे फेंकेंगे भाई, ठीक है। अभी पहले एक बार इधर ब्रेक मार लेता हूँ। अरे ब्रेक, उनको पीछे ला दो थोड़ी, पहले पीछे ले आता है भाई, वरना फिसल के आगे चलेगी ना दिक्कत हो जाएगी। धक्का मार के फेंक देंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ड्राइवर को फिलहाल बाहर निकलने बोलते हैं, पता नहीं वो किस हालत में है। वो भाई आ गया। चलो यार, ड्राइवर यहाँ पर खड़े होकर हमारा वेट कर रहा है। मैं जल्दी से इस गाड़ी को ले जाता हूँ और इसकी कहानी पूरी ख़त्म कर कर आता हूँ। वहाँ पर थोड़ी सी और ऊँचा पहाड़ है, वहाँ तक लेकर चलते हैं भाई इस गाड़ी को,
और उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। भाई पेट्रोल बहुत गंदी तरह से निकलता जा रहा है यार, बहुत ही तेज। ये वाली खाई बहुत ज्यादा सही है, यहाँ से धकेलते हैं भाई इस गाड़ी को सीधा नीचे जा। अरे वेट वेट वेट, मैं ना नीचे चले जाऊं भाई, थोड़ा सा उतर जाते हैं। चलो तो फटाफट से इस गाड़ी में मस्त धक्का लगाते हैं और फेंक कर आते हैं भाई सीधा इसको खाई में। फुल स्पीड में नीचे गिरती हुई जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। चल चल चल, गई 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 भाई, लेट्स गो। पूरी की पूरी गाड़ी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है। अब पुलिस वाले भाई अपना सर्च वर्च करते रहेंगे, उन्हें कोई हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं मिलने वाले। बाकी ठीक है, ड्राइवर बेचारा वहीं पर खड़ा हुआ है, जल्दी से अब लेकर चलते हैं ड्राइवर को भाई अपने साथ। ये देख रहे हो कितना फ्यूल भाई इसका गिरता हुआ आया था, ये देखो सारा का सारा इस गाड़ी का जो फ्यूल लीक हो रहा है। अगर हम लोग इतना फ्यूल डलवाते नहीं ना तो ये गाड़ी यहाँ तक भी नहीं पहुँचती, इतने बढ़िया तरीके से हमने काम करा था। बाकी भाई ड्राइवर की हालत बहुत ख़राब है, इसे कुछ खिलाते पिलाते हैं। बाकी चल भाई थोड़ा रोड वोड तक तो चल, एटलीस्ट कोई बाइक कोई गाड़ी कुछ तो मिले तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी तो फिलहाल हमें पहाड़ डायरेक्टली यहाँ से उतरना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेके उतरते हैं, पैर वैर ना फिसल जाए बस, वरना रास्ते से आएंगे तो बहुत ही लंबी ट्रैकिंग उतरनी पड़ेगी हमें, तब पहुँचेंगे सीधा नीचे तक। ये एक और गाड़ी आई है भाई यहाँ पर, कोई तो आया। अरे एक से, ये तो ट्रैवर है, फ्रैंकलिन है भाई, लेट्स गो। शायद से ट्रेवर यही सरप्राइज हमें दिखाना चाहता था, एक बार इससे बात करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल ट्रेवर से बात हो चुकी है और मैं फ्रैंकलिन को देख के तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था कि आखिरकार ये बंदा हमारे साथ काम करने दोबारा वापस आ कैसे गया। तो देखो उसके पीछे का रीज़न फ्रेंडशिप नहीं है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्रैंकलिन को अपना एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि जो उसका पिछला बिज़नेस है ना वो इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि देखो भाई अब लेस्टर जिंदा बचे या ना बचे, मैं तुम्हारे साथ जी जान से काम करूँगा। और काम कम्प्लीट होने पर इसने बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करी है। खैर ठीक है यार, वो सब बातें तो हम लोग करते रहेंगे, फिलहाल अभी ना मैं इन लोग को चलकर दिखा देता हूँ कि आखिर कौन कौन से टैंक्स हम लोगों ने यहाँ से खरीदे और कौन कौन से वेपन्स है जिसके थ्रू हम लोग डगन बॉस को मारने वाले हैं। बाकी ये बंदे को देखो भाई, अलग ही खतरनाक गन यहाँ से खरीद के ले जा रहा, पता नहीं इसकी कोई गैंग वॉर हो गई होगी। खैर उसे छोड़ो, अभी देखो ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक के अंदर है भाई सारे छोटे वेपन्स और एक ऐसा खतरनाक टैंक जो कि डगन के शैनबोक ब्लास्ट करने वाला है। ये वाले टैंक है एक अलग ही लेवल, इसके ऊपर एक गन लगी है और इससे ये अटैच होगा। मैं करके दिखाता हूँ भाई ये चलता कैसे है। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, इस टैंक के अंदर दो लोग बैठते हैं, एक बंदे को जाना है सीधा अंदर जो कि टैंक को चलाएगा, दूसरा बंदा अंदर आकर बैठेगा जिसको गोलियाँ चलानी है। और ये जो टैंक है ये अटैच हो जाता है इसके साथ, मतलब अभी कोई बंदा टैंक चलाएगा तो ये भी साथ साथ चलेगा। अगर मैं तुम्हें बाहर आके दिखाऊँ तो देखो ये जो पीछे वाला टैंक है ना भाई, तो हमें इस टैंक पर जाकर ऐसे बैठना है ताकि हम लोग यहाँ पर पीछे बैठकर जितने भी बंदे अगल बगल से आ रहे हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर पाए। देखो यार कोई छोटी मोटी गैंग वॉर नहीं, बहुत ही खतरनाक लेवल पे फाइट होने वाली है, तो वेपन्स भी अपने को तगड़े चाहिए। तो यहाँ पर तो अभी गोलियाँ नहीं चला सकते, अभी इन सब टैंक्स को लेकर चलते हैं एक दूसरी जगह पर, फिर चलेंगे डगन को मारने। पहले एक छोटा काम निपटाना है फिर डगन को मारेंगे। बाकी ठीक है भाई, मैं तो लेकर जा रहा हूँ ये ट्रक क्योंकि अभी हम लोग कहीं और निकल रहे हैं। बाकी ट्रेवर लेकर आएगा टैंक और फ्रैंकलिन को देखो भाई, वो तो अपनी गाड़ी में ही आएगा भाई। ठीक है भाई लेट्स गो, निकलते हैं हम लोग यहाँ से आराम आराम से एकदम, और किसी सीक्रेट जगह पे चलकर अपने इन सारे व्हीकल्स को छुपा देते हैं। मैं इन दोनों को लेकर जाने वाला हूँ उस जगह पे। ड्राइवर तो भाई मस्त वो ट्रेलर लेकर आ रहा है भाई, लेट्स गो। हम लोगों ने फाइनली यूसुफ आमिर से वो वेपन्स ले लिए जिन वेपन्स से हम लोग डगन को ख़त्म करने वाले। भाई ये कौन जा रहा है बाइक लेके, पता नहीं यार क्या चलते रहते हैं, थोड़ा सा अलग एरिया है। बाकी अभी जहाँ पर वेपन्स छुपाने हैं, इनको छुपाना है, उधर चलते हैं जल्दी से। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम सभी अपने व्हीकल्स को सीक्रेटली इन कच्चे रास्तों से होते हुए लेकर आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम इन्हें शांति से छुपा के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो अभी हम लोग डगन बॉस के पास अटैक करने नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था भाई, उसके पास दो बहुत खतरनाक तगड़े तगड़े व्हीकल्स हैं शैनबॉग, जो कि हमारा हालत ख़राब कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टैंक को यहाँ पर छुपा के रखेंगे ताकि पुलिस वालों की नज़र में ना आ जाए। बाकी मैं आपको अपने ट्रक में दिखाता हूँ, हम लोग एक ऐसी चीज़ खरीद के लाए हैं जिसके थ्रू हम लोग डगन बॉस की सबसे पावरफुल चीज़, उसके सबसे पावरफुल टैंक्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो इस ट्रक के अंदर है कुछ खतरनाक वेपन्स और उनके साथ साथ ये एक छोटा वाला टैंक। भाई ये देखने में तुम्हें एकदम छोटा पिद्दू सा एक गोली चलाने वाला टैंक दिख रहा होगा, बट नहीं, ये एक टैंक के साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है जिसको हम लोग चला कर ले जाने वाले हैं डगन बॉस के हाउस में, जहाँ पर उसके तीनों शैनबॉग पार्क हो रखे हैं। हमें इसको बस चुपचाप वहाँ पे ले जाके छोड़ना है और फिर दूर से इसको ब्लास्ट कर देना है। बट ये काम के लिए ना हमें लेस्टर की हेल्प लगने वाली है,
और साथ के साथ जिमी की भी हेल्प लगने वाली है क्योंकि ये एक रिमोट से चलता है और गेम्स जिमी ज़्यादा खेलता है। तो जिमी को मैंने डगन बॉस के घर की पीछे वाली पहाड़ी पे बुलाया, तो जल्दी से इस ट्रक को लेकर चलते हैं वहाँ पे और फिर चलते हैं भाई डगन की सबसे पावरफुल व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसकी वजह से अब तक हम लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। तो लेट्स गो। ये काम के लिए हमें ना पहले लेस्टर की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि भाई देखो डगन के घर में है बहुत सारे CCTVs कैमरा, तो हमें कुछ भी करके पहले उन कैमरास को डिसेबल करना है। तो देखो डगन को तो पता है मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसके घर के अंदर जा सकता हूँ, बट पता नहीं मैं लेस्टर के पास जा पाऊँगा या फिर नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल जल्दी से इस ट्रक को लेकर चलते हैं डगन बॉस के घर के सामने। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंच चुका हूं जंगलों के बीचों बीच एक सीक्रेट लोकेशन पर। सामने एक छोटा सा बार्न हाउस है, इसको ना यहीं पर पार्क कर देंगे। मैंने जिमी को भी बुला लिया, थोड़ी देर में वो भी यहां पर आने वाला होगा। तो भाई देखो सीन ऐसा है कि इस जगह के जस्ट सामने ही डगन बॉस का हाउस है। हम लोग सारी प्लानिंग यहाँ पर करने वाले हैं। जो रिमोट कंट्रोल वाला टैंक है वो इस ट्रक के अंदर ही हमने रखा हुआ है, तो उस टैंक को हम लोग लेकर जाने वाले हैं डगन बॉस के घर में उसके दोनों शाइनबॉक्स ब्लास्ट करने के लिए, जिसको रिमोटली जिमी चलाने वाला है। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये है कि हमें एक बारी डगन के घर पर जाकर उसके CCTV कैमराज डिसेबल करने होंगे। और भाई जिमी भी यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर आ चुका है वो भाई आराम से। तो फटाफट से इसको भाई प्लान एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा क्या सीन है और हमें कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ओके गाइस, तो अभी मैंने जिमी को पूरा का पूरा प्लान बता दिया है कि आखिर कैसे वो इस छोटे से टैंक के थ्रू डगन को उसके घर में घुस के मारने वाला है। अभी फिलहाल ये ना इसको पूरा कंट्रोल करके इसकी प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे इसे चला सकते हैं। भाई एक समय मैं थोड़ा सा ये अपनी गाड़ी ठोक डालेगा भाई, लग रहा है मैं साइड हो जाता हूँ। एकदम सुनसान जगह है यहाँ पर, मस्त प्रैक्टिस हो सकती है। गायें कहाँ से आ गई, चलो खैर ठीक है। जिमी अपना इससे प्रैक्टिस कर रहा है, जब तक मैं चलता हूँ डगन के घर। मुझे जाना है एक बार लेस्टर के पास उससे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग डगन बॉस का CCTV कैमरा हैक करे बिना उसके घर में ये छोटा वाला टैंक लेकर नहीं जा सकते। भाई बहुत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से एक बार को बच भी गए पर CCTV से नहीं बच पाएंगे, उसमें कोई देख लेगा और फिर हम लोग पकड़े जाएंगे बुरी तरह। तो हमें चुपचाप से घर तक पहुंचना, काफ़ी दूर है यहाँ से घर, मुझे गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी यार जिमी की। रुक जाओ एक काम करता हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ मैं। हो भाई भागते भागते वापस आ चुके हैं। जिमी तो मस्त प्रैक्टिस करने में लगा हुआ पर इसके पीछे एक गाय उस छोटी गाड़ी के साथ खेलने में लगे। बट ठीक है, अभी बैठते हैं अपनी लैम्बो में और जल्दी से लेकर चलते हैं डगन के हाउस में। एक मिनट भाई, मेरी अगर गाड़ी से टकरा वकरा गया ना भाई, गाड़ी अलग ब्लास्ट कर दे गए। मैं इसे लेकर चलता हूँ डगन के घर में और पहुँचते हैं भाई लेस्टर तक। ऑलराइट, तो भी मैं जिमी की लैम्बोर्गिनी को मस्त एकदम सही रास्ते से भगाता हुआ लेकर पहुँच चुका हूँ डगन बॉस के हाउस पे। देखो यार सीन कुछ ऐसा है ना कि अपने को चुपचाप से पीछे पीछे से आने की जरूरत नहीं है, हम लोग डगन के आदमी हैं, डगन के राइट हैंड है, हम लोग सीधा इसके घर में आ सकते हैं। बट एक सेकेंड भाई, ये इतनी सारी गाड़ियाँ और इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या कर रही है? मतलब यार कुछ ज़्यादा ही आज गार्ड्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, इतने सारे टैंक्स और जी वैगन तो भाई अलग ही मॉडिफाई कर करके ला रखे हैं। बाकी ठीक है जो भी है, अभी शायद से ना डगन को पता चल चुका है कि उसकी मौत उसके थोड़ा करीब आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने उसका पैसा चुराया था उसे अभी तक नहीं पता चल पाया कि पैसा किसने चुराया। पर हाँ वैसे ऐसा कह नहीं सकते, उसने लेस्टर को तो किडनैप कर लिया था बट अभी तक उसे पता नहीं चल पाया उसका पैसा गया कहाँ पर है। तो चलते हैं एक बारी घर में और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर आज हमें कौन से दो व्हीकल्स को ब्लास्ट करना है, जिसको ब्लास्ट करने के बाद ही हम लोग डगन बॉस को मार सकते हैं। बैक साइड में आपको एकदम ओपन पार्किंग में नज़र आ रहा होगा भाई, वहाँ दो बड़े बड़े टैंक खड़े हुए हैं, वही है शनबॉक, और हमें अपना रिमोट कंट्रोल वाला व्हीकल यहीं तक लेकर आना है और इन्हें ब्लास्ट कर देना है। यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि इधर 2-3 गार्ड्स घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा वो कैसे होगा। एक बार CCTV डिसेबल हो गया तो हो जाएगा, बट यहाँ पर आ गया भाई डगन बॉस का एक और चमचा। एक बार इससे बात करते हैं, देखते हैं भाई आखिर क्या सीन चल रहा है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि भाई तुम एक हफ्ते से कहाँ पर गायब थे, डगन हमसे मिलना चाहता था। तो ये तो है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर वापस आए हैं, बट अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि डगन जो है भाई वो है तो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बंदा। ये कह रहा है कि अभी ना हम लोग अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर मूव हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि डगन तो जा चुका है एक दूसरी जगह पर अपने मिलिट्री बेस पर, क्योंकि उसे पता है कि भाई अभी उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है तो वो यहाँ से भाग ही गया। हम लोग उसको मारने की पूरी प्लानिंग कर बैठे थे कि यहाँ पर ही ला के मारेंगे, बट अभी वो यहाँ से निकल चुका है। बाकी ठीक है, जो काम करने आए थे पहले उस काम को करते हैं, बाद की बाद में देखेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो उसको उसके मिलिट्री बेस में घुस के मारेंगे। लेट्स गो, अभी चलते हैं भाई नीचे। अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है यार, यहाँ पर अपने को फुल परमिशन है, जितने भी गार्ड्स वार्ड्स हो सब अपनी सेफ्टी के लिए हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते हैं भाई नीचे और देख कर आते हैं भाई आखिर क्या सीन है यहाँ पर। कुछ एक सेकंड, ये बंदा मुझे यहाँ पर अंदर जाने से मना कर रहा है भाई, मेरे को लेस्टर तक चुपचाप से जाना है, बट
भाई मैं, चलो मैं अपने रूम में तो जा ही सकता हूँ, वहाँ से एक और सीक्रेट रास्ता है, मना भी कर दोगे तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर तो अपना खुद का पर्सनल रूम है डगन के घर में, यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता हमने बना रखा है जो जाएगा इस घर की बेसमेंट में। लेट्स गो। तो फटाफट से बिना किसी देरी के इन लेडर्स का यूज़ करके चलते हैं हम लोग इस घर के अंडरग्राउंड एरिया में, जहाँ पर डगन ने बना रखा है एक बहुत ही खतरनाक टॉर्चर रूम, जहाँ पर वो अपने सभी दुश्मनों को पकड़ कर लाता है और बहुत ज़्यादा मारता पीटता। बट एक सेकेंड, सामने से किसी की आवाज़ आ रही है यार। भाई इन लोगों ने तो यहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है यार, इस एरिया में भी। देखो यार, ऊपर इन लोगों ने मुझे एंटर नहीं होने दिया था, मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी आगे जाने की परमिशन ये लोग मुझे देंगे। चुपचाप से गार्ड्स को देखकर मुझे यहाँ से आगे बढ़ना। सामने वाला भी गेट खुला भाई, कोई तो इधर से भी एक बंदा आ गया। भाई क्या चल रहा है, इतने लोग क्यों घूम रहे इधर? ये उधर किसी को तो देख रहा है यार, रुक जाओ, इसको ठिकाना पड़ेगा। निकले यहाँ से, इसके मैंने कान पे एकदम मस्त टनकन मचा दी। ये कौन आया, एक और? आई होप ज़्यादा लोगों को ना पता चला हो, वरना भाई मैं इस एरिया में बुरी तरह फंस जाऊँगा। अंडरग्राउंड एरिया में कैमराज नहीं है, बट दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अभी एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी भाई बंदे लगा रखे हैं यार, अंदर भी कितने लोग होंगे, ये तो रस्ते में है। इनको मारने के लिए स्टन गन यूज़ करूँगा तो दूसरा बंदा मेरे को ठोक देगा, और अगर मैंने गोली चलाई तो साउंड हो जाएगा और फिर पूरे के पूरे घर को पता चल जाएगा कि नीचे कुछ गड़बड़ चल रही है। एक सही तरीका ये है कि मैं इनके ऊपर ये टीयर गैस बॉम्ब फेंक देता हूँ। वैसे इन्होंने मास्क लगा रखे हैं, पर अगर मैं बहुत सारे फेंक दूंगा तो ये इस बॉम्ब की गैस से इनको ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा और ये बेहोश हो जाएंगे। एक सेकंड, मैंने इनको फेंक दिया भाई, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। खांसने वासने की आवाज़ तो आ रही है और ये लोग डाउन होना चालू हो गए हैं एक एक करके। भाई दोनों लोग बढ़िया गिर चुके हैं और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अभी ना एक बारी धीरे धीरे इस गैस को हम लोग यहाँ से ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वरना भाई मैं भी यहाँ पर बेहोश हो जाऊँगा। लेस्टर को इन लोगों ने अंदर ही बंद कर रखा है, और यार बॉम्ब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और काफ़ी काम के भी थे। डन सीन, अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे। एक बार थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओ भाई अंदर और भी सिक्योरिटी है, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर सीधा मोलोटोव फेंक दिया भाई। यार इन ओबे, आगे बढ़ना तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट लेस्टर तक पहुँचने का एक यही रास्ता है यार। बट एक सेकेंड, कोई नहीं, अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये लोग आग लगाएंगे तो हम लोग आग को बुझा देंगे उसके बाद। अबे नहीं यार, इनके पास ठीक है, फेंकते रहो, देखता हूँ भाई इनके पास कितने मोलोटोव है। अगर एक दो बंदों को मैंने इनके डाउन कर दिया ना, अपना रास्ता काफ़ी खाली हो जाएगा। आग तो अब तक बहुत लग गई होती वैसे, बट हमने काफ़ी हद तक आग बुझा दी है। अब जल्दी से मुझे इनका एक बंदा डाउन करना होगा, क्योंकि यही सही मौका है इन्हें मारने का। यही मार रहा था बहुत देर से मोलोटोव। एक डाउन हो गया, तू भी निकल यहाँ से। दूसरे को भी हमने डाउन कर दिया, और कोई है अंदर? भाई गन लेकर कोई ना हो यार। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी कोई भी बंदा बचा होगा। एक बार ही थोड़ा सा ओ एक सेकंड, यहाँ पर एक ये बचा हुआ था भाई, इसको भी हमने निपटा दिया। और यहाँ पर एक बंदा और आया था, इसके भी हमने स्टन बचा दिए। भाई ऑलमोस्ट हमने सारी सिक्योरिटी को यहाँ पर मार डाला, और इधर लेस्टर को इस पिंजरे में इन लोगों ने बंद कर रखा भाई। ये रहा, एक बार इसको बैठ कर बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आगे इसे क्या करवाना है हमसे, इससे प्लान पता करते हैं। तो चलो यार, अभी मेरी फ़िलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और सीन कुछ ऐसा है कि बिना डगन को मारे लेस्टर को यहाँ से लेकर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। भाई एक बार को अंडरग्राउंड से बाहर निकल भी गए, पर ऊपर इतनी सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा रखी है, हम लोग यहाँ से जिंदा बच के भाग ही नहीं सकते। तो लेस्टर ने भी सीधा बोला कि जो अपना पुराना प्लान है वही सही प्लान है। इसने मुझे एक पेन ड्राइव पकड़ाई है, जो कि हमें यहाँ के सिक्योरिटी रूम में जाकर इनके सारे सीसीटीवी कैमरास वाले पीसी में लगानी है, और ऑटोमेटिकली सारे जो कैमरास हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। बट वहाँ तक पहुँचना भी एक टास्क है, हो सकता है वहाँ पर गार्ड्स वगैरह हो, बट ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाग कर चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा। तो चलो यार, फटाफट से भाग के चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर ही कहीं पर सिक्योरिटी रूम था जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि इधर एक गार्ड था, वो अपना वेपन बनाने में बिजी हो रखा है, उसने मुझे देखा नहीं। पर इसको लपेट देते हैं यार, वरना बाद में प्रॉब्लम करेगा। मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं बस इसको स्टन कर दे रहा हूँ, ताकि अपना चुपचाप बेहोश होकर लेटा रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं करे। अब चलते हैं भाई अगले रूम में। यहाँ पर ये वाला दरवाज़ा तो इनके बैंक का था, और ये वाला शायद से दरवाज़ा सीक्रेट रूम का है। अब चलते हैं फटाफट से इसके अंदर। एक सेकेंड, कोई तो ऊपर से आ रहा है भाई। अभी ये तो बच गए, अगर अभी मैं उस रूम के अंदर गया होता तो ये मुझे मार देता। और ये है भाई डगन का लेफ्ट हैंड, ये अपने को प्रॉब्लम कर देगा भाई। ये इसी रूम के अंदर गया है, ये सोने गया या फिर कहाँ गया है? ये वाला रूम तो शायद से
ये इसका बेडरूम है, बट वो बेडरूम में नहीं गया यार, वो गया है सिक्योरिटी रूम में कैमरास देखने। बट ठीक है बेटा, कैमरास तुमने ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड लगाए नहीं है, इसको भी मैंने बेहोश कर दिया है। अब बस इस कंप्यूटर में मुझे पेनड्राइव लगा के सारे कैमरास को डिसेबल कर देना है। लेट्स गो, जल्दी से करते हैं इस काम को भी। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने लेस्टर की फ्लैश ड्राइव यूज करके सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल कर दिया है। अब फटाफट यहां से बाहर निकलते हैं उस रस्ते से जिस रस्ते से हम लोग अंदर आए थे, क्योंकि वहां के सारे गार्ड्स को हम लोग लपेट चुके हैं, एरिया पूरा सेफ है, फटाफट बाहर चलते हैं। हाँ ये बात है कि अभी लेस्टर को लेकर नहीं जा पाएंगे, बट अब बारी है डगन को पूरा का पूरा खत्म करने की। बस एक बार यहाँ से मैं चुपचाप बाहर हो जाऊँ, अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। बाकी एक और प्रॉब्लम ये है कि डगन जा चुका है अपने मिलिट्री बेस पे, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसे मारना थोड़ा आसान था, बट मिलिट्री बेस पे थोड़ा सा अलग सीन रहेगा। गन मैं अंदर रख लेता हूँ अभी। सबसे पहले इसके शैनबॉग फोड़ने हैं, शैनबॉग फोड़ दिए मतलब आधी जीत अपनी हो जाएगी, फिर उसके बाद उसकी बाकी आर्मी को और डगन को मारेंगे। लेट्स गो, बाहर निकलते हैं यहाँ से। भाई यार ये अपनी रोल्स रॉयस वापस आएगी अपने घर, टेंशन मत लो। अगर ये अपनी है भी नहीं तो नई खरीद के ज़रूर लाएंगे। फिलहाल अभी बैठते हैं गाड़ी में, अब चलते हैं जिमी के पास। और सारे सीसीटीवी डिसेबल है तो बस हमें उस छोटे वाले टैंक को इस सिक्योरिटी से बचते हुए यहाँ पर लाना है और सारे के सारे शैनबॉग को ब्लास्ट कर देना है। हम लोगों ने अपने वेपन्स निकाल लिए और अब घुस के मारने वाले हैं डगन बॉस की पूरी आर्मी को, क्योंकि उसने यहाँ पे भी भाई बहुत खतरनाक सिक्योरिटी लगा रखी है। बहुत सारे लोग भी थे इधर, बट ठीक है, उन सबको बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है। जितने भी लोग हैं आपस की, जितनी भी आर्मी है, सबको हम लोग पूरी तरह मारने वाले हैं। इस पूरी की पूरी बिल्डिंग पर यार इस डगन ने अपनी तगड़ी सिक्योरिटी बिठा रखी थी और हमने एक एक करके भाई सबको यहाँ पर मार डाला। इधर भी दो लोग, बच्चों लेट्स गो, सबको खत्म कर देंगे भाई आज। आज डगन हमारे हाथों से बचकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। रुक जाओ, एक काम करता हूँ भाई, शॉटगन निकाल लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा घुस घुस के मारना है लोगों को, तो शॉटगन से मारेंगे, ठीक है, शॉटगन से लेंगे। चल भाई, फ्रैंकलिन ट्रेवर दोनों लोग अपने साथ हैं और हम लोग यहाँ से भाग कर जाने वाले हैं इस जगह के अंदर, क्योंकि बाहर का एरिया हमने पूरा क्लीन कर दिया, पर अंदर के लोगों को भाई, यहाँ पर इन लोगों ने अंदर भी बंदे बैठा रखे हैं। एक सेकेंड, बहुत सारे बंदे इनके अंदर भी बैठे पड़े हैं भाई। हमें थोड़ा सा कवर ले लेके फाइट करनी होगी, क्योंकि ये जगह डगन के बंदों ने चारों तरफ से घेर रखी है। उधर ट्रेवर अपना अलग फाइट कर रहा है, इधर फ्रैंकलिन भी अपना बंदे मारने में लगा हुआ है, बट ठीक है, इस एरिया को पूरा का पूरा हम लोगों ने ऑलमोस्ट खाली कर डाला है। इधर भी कोई तो बंदा है, चल 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 चल, भाग कर रहा है, ऊपर का भाग रहा है। ये रे भाई, ऊपर बहुत सारे लोग हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर। एक सेकेंड, इन सब ने भी तगड़े तगड़े आर्मर पहन रखे हैं। बाकी एक बंदा यहाँ पर नीचे छुपा हुआ था, इसको भी खत्म कर दिया। लेट्स गो, अब चलते हैं भाई। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आज हमें अच्छे से एक्सप्लोर करनी है डगन को खत्म करने के लिए। भाई ये सिनेमा हॉल है इस जगह का, और यहाँ से भी बंद हो गए भाई बहुत। ओ तेरी, अंदर तो बहुत लोग हैं। एक मिनट, तीन लोग थे यहाँ पर, तीनों को अच्छे से। भाई ये लोग शॉटगन के भी एक, अबे मर जा भाई। यहाँ इस सिनेमा में जितने बंदे थे सबको मार डाला, पर ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर नीचे भी एक टनल जा रही है। उतरी, कितने लोग बैठे हैं भाई, कितने लोग बैठे हैं। सामने भी लोग खड़े हैं, ये भी गया। छुप छुप के आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, लोग तो बहुत सारे हैं। ट्रैवर मत ग्रेनेड फेंक फेंक के मार रहा है भाई लोगों को, ताकि पूरे का पूरा एरिया साफ हो जाए। और लग यहाँ डगन भी होगा तो डगन भी यहाँ पर मारा जाएगा। एक और ग्रेनेड डाल दिया भाई, टूटने वाले हैं लोग, खेल लो, खत्म भाई। तो गाइस देखो, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग इस जगह पर आकर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। हम तीनों यहाँ पर निशाना लगा कर तो बैठे हैं, पर ये दोनों लोग यहाँ पर खड़े। और वेट, डगन का वो बॉडीगार्ड भी उधर ही है। मेरे हिसाब से डगन भाग के गया भाई राइट साइड पे। जल्दी से चलते हैं भाई, वो लोग राइट साइड में कहीं पर तो जा रहे हैं। एक बार अंदर भी कुछ लोग हैं क्या भाई। एक मिनट, ये तो दरवाजा ही बंद है। लेट्स गो, तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग यहाँ से भी चलते हैं ऊपर, और जितने भी लोग यहाँ पर ऊपर बचे हैं इनको भी मारना चालू कर देते हैं भाई। वैसे बंदे तो काफी सारे हैं और एक एक करके हमने सबको ढेर कर दिया, और यहीं पर से डगन भी भाग के गया है भाई। एक सेकंड, तो चलो यार अभी फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। डगन किसी एक गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग रहा है, उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दे ताकि ज्यादा दूर ना भाग पाए। एक सेकंड, ये कौन है? ओ भाई, इस बंदे ने तो हमें बुरी तरह पीट डाला यार तीनों को। एक सेकेंड, ये है कौन? तो गाइस यार अभी ना डगन के इस बंदे ने हमें बहुत ही बुरी तरह मार पीट दिया, बट ठीक है, अभी ट्रेवर यहाँ पर आकर इसे संभाल रहा है। हम लोग फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं गाड़ियाँ लेकर डगन को पकड़ने के लिए, क्योंकि यार वो ना अभी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। फ्रैंकलिन यहाँ पर एक अलग गाड़ी से जा रहा है, मुझे यहाँ पर एक और एक अलग गाड़ी मिल चुकी है। फटाफट से गाड़ी चालू करते हैं और पीछा करते हैं डगन का, जब तक भाई ट्रेवर ने उस बंदे को रोक रखा है। देखते हैं भाई आखिरकार अब तक वो कहाँ क्या होगा।
बाकी गाड़ी को मैं भगा रहा हूँ फुल स्पीड में, और अभी हमें कुछ भी कर उस बंदे तक पहुंचना है। तो चलो गाइस, अभी फ्रैंकलिन और मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डगन अपनी गाड़ी को पक्का एयरपोर्ट की तरफ ही लेके भागा होगा, क्योंकि वो इस सिटी से बाहर निकलना चाह रहा होगा। उसे अच्छे से मालूम है इस टाइम पर अब वो हमारे हाथों से बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। बट एक सेकेंड भाई, किसी ने सामने से हमारी गाड़ी में गोली मारी, और पूरा का पूरा टायर ही पीछे वाला भाई पंचर हो चुका है। ये पक्का डगन की ही सिक्योरिटी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, इन लोगों को आज हम लोग यहाँ से बचकर नहीं जाने देंगे। लेट्स गो, आज हमें घुसकर इन्हें लपेटना ही है। तो यार अपनी किस्मत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, अच्छा खासा वेदर था पर अचानक से बारिश चालू हो चुकी है, और ये बंदा भाई हमारी गाड़ी पे पूरी की पूरी गोली मार के गाड़ी डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है। टायर तो तोड़ ही गया था, पर अच्छी बात यह है कि भाई मर्सिडीज की कार है तो थोड़ी सी बच चुकी है, वरना अभी एक मिनट रुक जाओ, इसको बताना पड़ेगा, टक्कर ही दूंगा भाई इसके अंदर, पूरी गाड़ी साइड। ओ भाई, भाई ये लोग तो भाई बुरी तरह फूट चुके हैं, एक दुश्मनों से पीछे छूटा, अब बस हमें डगन का पीछा करना है भाई, लेट्स गो। ये फायदे होते हैं भाई, देखो नुकसान भी है बारिश के और फायदे भी हैं। एक टक्कर मारी, इतनी बड़ी गाड़ी फिसल के जाके भिड़ गई, पर अभी ना हमें भी इसी वेदर में अच्छी ग्रिप बना के गाड़ी को भगाना है, और ये रहा भाई डगन। भाई देखो सीन कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से भी हम लोग अपनी गाड़ी भगा रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि यार हम लोग डगन को पकड़ पाएंगे, क्योंकि यार मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार डगन इतनी तगड़ी गाड़ी चला कैसे रहा। हमारी स्पोर्ट्स कार है और वो एक ट्रक जैसे व्हीकल को लेकर सब कुछ तोड़ता हुआ भाई पता नहीं कौन से रास्ते पे जा रहा है। और भाई बेटे एक सेकेंड, इस टाइम उसने थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता चूज कर लिया जहाँ पर उसकी गाड़ी तेज भागेगी, बट हमारी गाड़ी एक मिनट यार, उसने बहुत गैप बना लिया, इस तरीके से पकड़ना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। ये जा कहाँ पर रहा है, इसके और बंदे बंदे तो नहीं है भाई? एक मिनट, ये गाड़ी, ओ भाई एक सेकेंड, यहाँ से तो हमारी गाड़ी को हमें आराम से घुमाना पड़ेगा, लेट्स गो। अबे भाई टक्कर ही मार दी इस बंदे, एक मिनट गाड़ी लेकर ये यहाँ से रुक जाओ यार, अभी ना इसका बहुत हो गया, हमें कोई तो अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन भी बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है, इस तरीके से हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग यार इसको बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन तो इसका पीछा कर ही रहा है, मैं ना कोई दूसरे रास्ते से इसके पास आता हूँ। भाई मेरे को एक शॉर्टकट पता है, जहाँ पर ये जाना चाह रहा है ना, मुझे वो जगह का आइडिया लग चुका है, तो सीधा यहाँ से चलते हैं और फुल स्पीड में ले जाकर अब भाई हमें कुछ डिफरेंट करना होगा, इसको घेर के मारना पड़ेगा कि ये निकल कर बचकर बिल्कुल भी ना भाग पाए। तो लेट्स गो, गाड़ी को भगा के चलते हैं आगे की तरफ में। भाई अब टक्कर हमारे हाथों से बचकर बिल्कुल भी नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ एक दूसरी साइड से, वो सीधा हमें मारनी है इसकी गाड़ी में, और अब हमने करा दिया भाई टक्कर का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। और अब भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अब वो टाइम जा चुका है, हमें टक्कन को यहीं के यहीं मार के पूरा ख़त्म करना है। बहुत परेशान करा भाई इस बंदे ने, पर आज इसकी मौत आ चुकी है भाई, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बहुत ही बुरी तरह मारेंगे, पेट्रोल के टैंक में जाकर भिड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई हमारे लिए इसको मारना। भाई अब और टाइम वेस्ट नहीं, गन निकालते हैं और सीधा दी एंड करते हैं टक्कन बॉस का, चला डाला है भाई हमने इसे इसी पेट्रोल में और ख़त्म कर दी भाई आज हमने टक्कन बॉस की कार। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर पहुँच चुका है, हम लोगों ने डक्कन को मार के बहुत ही खतरनाक फाइट थी भाई आखिर हमारे डक्कन के साथ, लेकिन फाइनली आज वो पूरी की पूरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, डक्कन को हमने खत्म कर दिया है, और अब हम लोग जी सकते हैं अपनी चैन की जिंदगी। बहुत ही खतरनाक भाई, नेक्स्ट लेवल फाइट थी, नेक्स्ट लेवल वॉर थी, काफी लोगों की जाने गई इसमें, बट आज हिसाब किताब बराबर हो गया भाई, खत्म कर दिया हमने डगन को, अब चैन से वापस से राजा बनकर जा सकते हैं हम लोग लॉस सैंटोस का। तो चलो भाई, सबसे बड़ी मुसीबत टल चुकी है, और साथ ही एक बहुत मस्त गुड न्यूज है कि ये जो डगन बॉस है ना, इसको बचाने के लिए इसकी पूरी की पूरी आर्मी जो घर पर भी थी लेस्टर को पकड़े रहने के लिए, वो लोग भी इसको बचाने के चक्कर में मारे जा चुके हैं, और जिमी लेस्टर को डगन के घर से लेकर आ चुका है। सामने आ गए है भाई लैम्बोर्गिनी हुरैकन जिसमें लेस्टर और जिमी है, पीछे भाई लमार तो आया ही है फ्रैंकलिन को लेने, बट ट्रेवर ने भी भाई उस बंदे को मार डाला, और ट्रेवर भी आ चुका है और अपनी पूरा पुराना ग्रुप वापस
वापस आ चुका है। लेट्स गो भाई, जल्दी से सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। भाई देखो, अब कितने बड़े आदमी को मारा है तो पार्टी तो बनती है, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे भाई एक बहुत बढ़िया पार्टी करने टक्गन को, इस लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया को मारने की खुशी में। भाई लेट्स गो, गाड़ियाँ निकाल लिया। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो अभी जाकर सब लोग रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे भाई एक पार्टी पे। कहाँ जाना चाहिए पार्टी पे, नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जाकर यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 2.5 मिलियन लाइक के लिए, तो जाओ यार फटाफट से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा GTA 5 के एक और न्यू एपिसोड के साथ दोबारा से, जहां पर अब माइकल जिएगा अपनी नई लाइफ, क्योंकि अब काफ़ी कुछ बदल चुका है भाई। थोड़ा बहुत क्राइम वगैरह की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा शायद, क्योंकि अब अच्छे काम करने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो, बाय।